वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम कर रहे थे 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी के, हमने 5 वर्ड कल किए थे और अब हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो हमने कि हम आ गए थे एसिटिक पे। आप अपने अपने बुक खोल लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलो करते हैं एसिटिक। अगला हमारा वर्ड है एसिटिक। एसिटिक का मतलब होता है टू अवॉइड लग्जरीज। एसिटिक का मतलब क्या होता है? एसिटिक का मीनिंग हो जाएगा टू अवॉइड लग्जरीज। अवॉइड लग्जरीज क्या हो जाएगा? एसिटिक है, ये एसिटिक का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखो जो एसिटिक है उसके सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या, इसकी सिनोनिम इसके सेल्फ डिनाइंग है, सेवियर है, डिसिप्लिनड है, स्पार्टन है, होली मैन है, अस्टीरी है, हर्मिट लाइक है, प्रिस्ट है। तो ये सारे इसके क्या है? इसके सारे इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा एसिटिक समझाती हूँ कि जो हमारे एसिटिक होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एसिटिक होते हैं वन हु अवॉइड लग्जरीज एंड अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर्स एंड लिविंग अ सिंपल लाइफ। लिख लो साथ साथ। ठीक है, वन हु अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर्स एंड लिविंग ए सिंपल लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको बुक में से थोड़ा रीड करके समझाती हूँ। बुक में लिखा हुआ है द एसिटिक इज वन हु इज गिवन टू सेवियर सेल्फ डिनायल एंड ऑस्टेरिसिटी, वन हु प्रैक्टिसेस रिजिड एब्स्टिनेंस ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन। जो किसी रिलीजियस रीजन्स के लिए क्या बन जाता है, वो बन जाता है जैसे होता है ना होली मैन, साधु संत बन जाता है। एंड वैन यू से दैट ए मैन इज एसिटिक, अगर हम किसी के बारे में क्या कह रहे हैं कि ई मैन एसिटिक है, तो इसका मतलब क्या होगा? यू मीन दैट ही इज वन हु शंस ऑल द लग्जरीज एंड फिजिकल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। मतलब उसने सारे सारे ये छोड़ कर दिए, त्याग दिए हैं। एनी वन हु ईट्स एंड ड्रिंक्स हार्टली एंड हु अदरवाइज डिसिपेट्स इज द प्रिसाइज अपोजिट ऑफ एसिटी एंड डज नॉट बिलीव इन एसिटिज्म। मतलब उसका अपोजिट हो क्या हो जाएगा, वो एसिटिक नहीं होगा और वो एसिटिज्म में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, लिख रखा है। दे लीव अ वेरी एसिटिक लाइफ, वो बहुत एक सीधी सादी ज़िंदगी बिताते हैं साधु संतो जासी। एंड एक और मैं बता देती हूँ, ही लिव्ड एज एन एसिटिक, वह एसिटिक की तरह रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा एसिटिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा पेंडर। नेक्स्ट क्या है? पेंडर। पेंडर का मीनिंग क्या होता है? पेंडर का मीनिंग होता है टू प्रोवोक फॉर बैड वर्क एंड मोरल वर्क टू गेट एडवांटेज। हम किसी को भड़का रहे हैं किसी बुरे काम करने के लिए या मोरल वर्क के लिए, क्योंकि हमें उससे कुछ ना कुछ चाहिए, टू गेट एडवांटेज। ठीक है, तो ये होगा मेरा पेंडर। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है पेंडर का, मतलब जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है, जो पोलिटिकल लीडर्स होते हैं ऑलमोस्ट इनविटेबली पेंडर टू बिग बिजनेस। क्या करते हैं जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, क्या करते हैं वो? लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़वाते रहते हैं अपने एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है, कि उनको क्या एडवांटेज चाहिए? उनको वोट बैंक चाहिए। ठीक है, वो एक पार्टी के लोगों को भड़का देंगे, दूसरी पार्टी वालों का समर्थन करेंगे। ठीक है, तो वो अपने एडवांटेज के लिए क्या करते हैं? उनको भड़काते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पेंडर। ठीक है, देखो मैं बुक में से रीड करके बताती हूँ। यहाँ पे दिस वर्ब लिटरली मीन्स टू मिनिस्टर टू द gratification of passions and prejudices of others usually to one's own profit। हम अपने मतलब अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। ठीक है, गेन पावर। यहाँ देखो पेंडर देयर फोर इज एन अनप्लीजेंट वर्ड। पेंडर कैसा है? एक नेगेटिव वर्ड है एंड विद एन अनप्लीजेंट मीनिंग, सब मीनिंग अनप्लीजेंट है द नाउ वर्ड। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। ओके, देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड है सब्लीमेट। सब्लीमेट क्या होता है? सब्लीमेट का मीनिंग देखो, टू डाइवर्ट द एनर्जी ऑफ ए सेक्सुअल और अदर इम्पल्स फ्रॉम इट्स इमीडिएट गोल टू वन ऑफ अ मोर एक्सेप्टेबल सोशल मोरल और ए एसेटिक नेचर टू यूज़। जैसे कि हमने अपने जो नेगेटिव एनर्जी है उसका यूज़ हमने कहाँ कर लिया? पॉजिटिव वे में हमने उसका यूज़ कर लिया। ठीक है, टू डायरेक्ट यूज योर नेगेटिव एनर्जी इन टू ए पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका नेगेटिव एनर्जी का हम यूज़ करें। दूसरा, हम सब्लीमेट का जो हमारा सब्लीमेट होता है उसको बोल सकते हैं डाइवर्ट और मॉडिफाई एन इम्पल्स इनटू ए
कल्चरली हायर और सोशली मोर एक्सेप्टेबल एक्टिविटी, मतलब कि जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है उसको हमने पॉजिटिव तरीके से यूज कर लिया, खुद के जो इमोशनल इमोशंस हैं सबको दबाकर, खुद की इच्छाओं को दबाकर हमने क्या किया उसको हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अब हम इसकी देख रहे थे सिनोनिम्स के, सिनोनिम्स का क्या होंगे यहाँ पे, सिनोनिम्स इसके यहाँ पे डाइवर्ट है, डाइवर्ट कर लिया खुद को, कन्वर्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया खुद को, चेंज कर लिया। इसके एग्जांपल, कैन सी सबलिमेट हर ईगो फॉर ए गुड ऑफ द टीम, क्या वो अपने ईगो को सबलिमेट कर देगी जो उनकी टीम है उसके अच्छे के लिए। ठीक है, चलिए सबलिमेट इसमें मैं आपको थोड़ा बुक में रीड करके बताऊँ या फिर आप खुद रीड कर लेना। चलिए मैं आपको बुक में रीड करके दिखा देती हूँ। तो सबलिमेट होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड ओरिजिनली केम फ्रॉम द लैटिन सबलिमेट्स, मेटस से आया है। इसका मतलब होता है रेज्ड ऑन हाई एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द सबलाइम, से ये है। सबलाइम समझते हैं उद्धपतन जो होता है, व्हेन द एनर्जीज ऑफ अ पोटेंशियल हुडलूम और द गैंगस्टर आर चैनल्ड इनटू एथिक गेम्स, इनटू बिजनेस करियर और इनटू सम अदर यूजफुल एंडेवर्स, एंडेवर्स हिज फॉर्मर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज आर सैड टू हैव बीन सबलिमेटेड। देखो जो हमारे यहाँ पे गैंगस्टर वैंगस्टर होते हैं वो अपनी इस गंदी आदत को छोड़ कर क्या करते हैं, वो किसी अच्छे बिजनेस में लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सबलिमेट हो गए। आप इसको बाकी रीड कर लेना, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप बुक से ज़्यादा देख लेना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट वेंटन। वेंटन क्या होता है, हाँ वेंटन होता है अ लेडी हैव मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर होंगे वो क्या होगी, लेडी, ये जो वर्ड है लेडी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेंटन होगी। और यहाँ पे सिनोनिम्स देख लेते हैं, मैलिशियस है, मैलियस है, लस्टफुल है, मोटिवलेस है, नीडलेस है, सेंसलेस है, ल्यूड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखो बुक में क्या दे रखा है, बुक में है कॉल ए वुमैन वेंटन एंड यू आर सेइंग दैट सी इंडल्जेस एवरी पैशन, इंडल्ज मीन्स होता है शामिल होना, दैट शी इज लिव्ड एंड लस्ट, हाँ लसीवियस इन शॉर्ट दैट सी बिलीव्स इन लिविंग इट अप विद नो थॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस और द मोरोज हैंगओवर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यस इफीट। इफीट का मतलब क्या होता है, इसको इफीट का मीनिंग देखो, वीक हो गया, पावरलेस हो गया, बल्डलेस हो गया, फीबल हो गया और सॉफ्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे सारे इफीट के मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी इसका वो देखते हैं सिनोनिम्स क्या है इसके। सिनोनिम्स है इसकी डिसेंडेंट हो गया, डिकेड हो गया, वीक हो गया, फ्रूटलेस हो गया। ठीक है, एंड एक और उसका इनफर्टाइल हो गया। ठीक, इनफर्टाइल है यहाँ पे इसका मीनिंग दे रखा है, थोड़ा छोटा कर लेती इसको। ठीक है, तो इसका यहाँ पे दे रखा है इनफर्टाइल हो गया, एक्सेट्रा हो गया। आज के एग्जाम्पल देखते हैं, एन इफीट यंग मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, जो इफीट यंग मैन है वो कहाँ पे खड़ा है, दरवाजे पर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इस बुक में, देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन एनिमल्स प्लांट्स और सोयल आर वोर्न आउट एंड इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दे आर कॉल्ड ए फीट, मतलब जो एनिमल्स है, प्लांट है, जो सोयल है वो जो मतलब जो वो प्रोड्यूस करने के लायक नहीं रहते तो किसी कैटेगरी में आएंगे, वो कहलाएंगे सारे फीट कहलाएंगे। ठीक है, वो कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, दैन वी से कि सारे क्या फीट है। ठीक है, और लैटिन वर्ड है ये, और फीटस हैविंग प्रोड्यूस। ठीक है, इफीट यहाँ से निकला है, मोर कॉमनली ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। चलिए आप इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और आपकी वोकैब काफ़ी वीक है तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल से। ठीक है, थैंक यू सो मच।